जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राज्य में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। 14 मई को प्रथम चरण के लिए दुमका जिले के 4 नक्सल प्रभावित प्रखंड में मतदान होना है। इसे लेकर पुलिस काफी सचेत है और बैठक कर लगातार मंथन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुमका जिले के मसानजोर स्थित मयूराक्षी रिसोर्ट में DIG संथाल परगना की अध्यक्षता में इंटर स्टेट मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रथम चरण में जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान को लेकर अहम बैठक की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस और झारखंड पुलिस के द्वारा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के साथ साथ नामित वांटेड अपराधी को अभियान के तहत गिरफ्तार करने पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल पुलिस और झारखंड पुलिस के द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, रामपुरहाट, बीरभूम, आसनसोल के बॉर्डर इलाके में चेकनाका लगाने की बात कही गई। वहीं नक्सल विरोधी अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, गुड्डा SP सहित पश्चिम बंगाल के मालदा, वीरभूम, रामपुरहाट, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और आसनसोल के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर हम लोगों ने बंगाल जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, मालदा, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, वीरभूम और ये आसनसोल, यहाँ के हम लोगों ने ऑफिसर रिक्वेस्ट किया था कि इंडस्ट्रियल मीटिंग में आप पार्टिसिपेट करें और जो भी हम लोगों को ये चिकनाका हो, चाहे एंटी सोशल एलिमेंट हो, लीगल आर्म्स हो, इसके रिकवरी के चिकनाका पूरी पसंदी हो, इसके लिए हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया गया। यहाँ के जो भी वांटेड क्रिमिनल थे, वांटेड क्रिमिनल को जो वहाँ पर शेल्टर लिए थे उनको अरेस्टिंग के लिए, उनको कार्रवाई के लिए, पुलिस डालने के लिए। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।